दोस्तों, स्वागत है आपका आपका न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ अल सफा पे और आज हम जा रहे हैं अलबूज। कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ से। मैं वेट कर रहा हूँ बस का। ये है मेट्रो स्टेशन अल सफा का। यहाँ पे कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं बस के लिए। मेरा जो बस नंबर होगा वो F15 या F17। वो बस आ गया है, इसी में जाएंगे। तो बाहर कुछ ज़्यादा साउंड था तो बस में थोड़ा कम साउंड है। तो आप जब भी बस में ट्रैवल करें तो कार्ड पंच ज़रूर करें और उतरते हुए भी पंच करें। तो कुछ इस तरीके से बस के अंदर से व्यू है। काफ़ी बड़े बड़े शीशे लगे हैं बस में, जिससे कि नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ अल सफा से लेके अल कुछ तक जाने का कुछ 15 से 20 मिनट तक का टाइमिंग है। अगर ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से सामने दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे सिग्नल खुल चुका है और अब अल खेल के अंदर एंटर हो चुके हैं। इस तरफ राइट हैंड साइड में तो अब 5-7 मिनट में मैं अल खेल गेट 3 पहुंचने वाला हूं। कुछ इस तरीके से नज़ारा है बस के अंदर। और अभी एक स्टेशन और आ गया है। अभी 2-3 स्टेशन और आएंगे और मास्क लगाना मैंडेटरी है बस के अंदर। तो इस एरिया में हम काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता पैदल है। सो यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है, इसको प्रेस कर देते हैं तो हमारे लिए खुल जाएगा। तो जी खुल गया। एक सामने की रोड है, उतार लेते हैं। कुछ इस तरीके का व्यू है। जिस तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं वो सामने वाली रोड से मैं आया। और ये है कुछ इस तरीके से अलखेल। इस बिल्डिंग में हम रहते थे, अब हम शिफ्ट हो गए हैं उधर की तरफ बुर्जमान। धूप काफ़ी तेज़ है बट अभी 5 मिनट चल सकते हैं इस धूप में। एक्सपो के बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई है, गाड़ियाँ भी कम हैं, लोग भी कम हैं। बस में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मेट्रो में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा अल मदीना है। यहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा नहीं, अभी तो रमजान चल रहे हैं तो कुछ खाने पीने को भी नहीं होगा। शाम के 6 बजे से स्टार्ट होएगा। इस टाइम रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें बंद रहेंगी और शाम के 6 बजे ही खुलेंगे। मैं पहुंच चुका हूं, तो ज़रा मैं अपना काम निपटा के जिस काम से मैं आया हूं इधर, अभी देखते हैं क्या बनता है काम का। अब आ गए हैं ऑफिस से। अभी ये जो काम करने गया था हो गया फ़िलहाल। तो अभी अगले हफ्ते फ्राइडे तक आएंगे फिर दोबारा से, देखते हैं क्या बनता है। अब हम चलते हैं वापस बुर्जमान। जिस तरीके से है अलकूज, इंडिया जैसी फीलिंग आती है इस एरिया में। मैं पहुंच गया हूं यहां पे सिग्नल पे, मेरा बस सामने आ गया है। और चलो एक ग्रीन लाइट भी हो गई। फटाफट से रोड क्रॉस करके बस पकड़नी है। तो मैंने बस पकड़ ली है। इस यहाँ से बाहर का व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें बाहर से एडवर्टीजमेंट लगी है।
अब यहाँ से मैं जाऊँगा अलसफ़ा से लेके बुर्जमान तक, कोई तकरीबन आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे में मेट्रो बुर्जमान तक पहुँच जाएगी। तो आप मेट्रो के अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू है। अब अलसफ़ा से चल पड़े हैं और थोड़ी देर, तकरीबन आधा घंटा तक हम बुर्जमान पहुंच जाएंगे। तो अंदर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ सामने मस्जिद है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आएंगी, जिसमें से कि एक बुर्ज खलीफा भी बीच में पड़ेगा। ये बिजनेस बे का एरिया है। सो अभी इस तरीके से व्यू है। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है और इसके बाद ये बुर्ज खलीफा आने वाला है थोड़ी देर में। काफ़ी हद तक ट्रैफिक है नीचे रोड पे, बिकॉज ये बुर्ज खलीफा का एरिया है। सो इस तरफ अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो ये है बुर्ज खलीफा, यहाँ से प्यारा नज़र आ रहा है और इसके अगल बगल बढ़िया सीनरी और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सारे तरफ बड़े बड़े टावर। इसके बाद का मेट्रो स्टेशन फाइनेंशियल सेंटर आएगा, फिर इसके बाद अल जफलिया, जो है कि मैक्स। तो फाइनेंशियल सेंटर के पास है ये दुबई का म्यूजियम और ये कुछ प्लेग्राउंड, और इसके बाद आएगा दुबई फ्रेम, जो बहुत बड़ा फ्रेम है। अभी वहाँ गया तो नहीं मैं, बट मैंने दूर से ही देखा है। अभी अल जफलिया के पास पहुँच गए हैं, जिसका मेट्रो का स्टेशन का नाम है मैक्स। तो कुछ इस तरीके से दुबई फ्रेम हो सामने। और अब पहुंच चुके हैं बुर्जमान, अब उतरते हैं। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, यहाँ से एग्जिट 4 लेके ऊपर चढ़ते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं बुर्जमान, अब जाएगा मैं रूम पे। ये देखो डबल बस, यहां से 5 से 7 मिनट का रास्ता है पैदल पैदल। अभी जाएंगे और धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट थोड़ी हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, अच्छी खासी धूप है बट हवा चल रही है। अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने बिल्डिंग पे। यहाँ पे जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग चमचमाते हुए फ्लोर, बट अंदर के हालात जी कैसे हो।
व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सो रहे सारे के सारे हैं। ये ऊपर वाला कहाँ गया? ड्यूटी गया। अच्छा गया।